तो अभी तक हमने मॉन्स्टर वर्स में ढेर सारे टाइटन देख लिए हैं, तो अब समय आ चुका है कि हम उन टाइटन्स को रैंक करें। तो अभी तक हमने बहुत से पावरफुल टाइटन्स को देखा, लेकिन सवाल ये आता है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन कौन सा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम मॉन्स्टर वर्स में दिखाए गए सभी टाइटन्स को रैंक करेंगे। ये रैंकिंग मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन से रखी है और आई थिंक आपका ओपिनियन भी यही होगा। लेकिन अगर आपका ओपिनियन मुझसे अलग होगा तो आप अपने कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो में मैंने आर्टिफिशियल टाइटन्स को नहीं लिया है, मैं सिर्फ ओरिजिनल टाइटन्स को इस वीडियो में ऐड करूंगा। आर्टिफिशियल टाइटन से मेरा मतलब है मेका गॉडज़िला। तो फटाफट से कैप्टन के शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। पक्का कर लो यार, क्योंकि 10K के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो आप बिना किसी देरी के इस उल्टी गिनती को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्कल क्रॉलर। तो ये हमें कॉन्ग द स्कल आइलैंड में दिखे थे और ये इतने पावरफुल थे कि इन्होंने कॉन्ग के मॉम डैड को भी मार दिया था। ये टाइटन इंटेलिजेंट हैं, प्लस इनके पास है कमाल की सेंसिंग स्मेल। ये अपने सेंसिंग स्मेल की मदद से ही अपने शिकार को बहुत ज्यादा दूर से भी ढूंढ लेते हैं और इनकी टंग भी बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिसने कॉन्ग को भी परेशान कर दिया था। इनके पास इतनी कमाल की एबिलिटी है कि अपने टंग से किसी को जकड़ के ही मार सकते हैं। नंबर 9, स्काइला। तो स्काइला एक स्क्विड लाइक टाइटन है जो कि हमें गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में दिखी थी। तो स्काइला एक स्पाइकी आर्म से कवर होती है, प्लस इसकी लेग्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये अपनी लेग्स की मदद से किसी भी बड़ी बिल्डिंग में आसानी से चढ़ सकती है। तो इसकी लेग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये अपने लेग्स से ही किसी भी पत्थर को तोड़ सकती है, प्लस अपने एनिमीज के खिलाफ भी ये अपने लेग्स का इस्तेमाल करती है। तो स्काइला की बॉडी एक बुलेट प्रूफ बॉडी है, जिसकी मदद से ये इजीली विदस्टैंड हो सकती है गन्स और किसी भी टाइप की मिसाइल से। तो स्काइला अपने अंदर से लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ती है, जिसकी वजह से सी लेवल कम होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। नंबर 8, मेथसुला। तो मेथसुला हमें गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में दिखा था, जब किंग गिडोरा ने इसे बुलाया था। ये टाइटन रॉक और वेजिटेशन से बना है और ये ज्यादा नेचर में ही रहता है। इतना ज्यादा नेचर का साथ इसका संबंध होने की वजह से इसके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, प्लस इसके पास इसके मैसिव हॉर्न्स है। ये अपने हॉर्न्स की मदद से किसी को भी बीच से चीर सकता है, प्लस इसके पास कमाल का जो है, यानी कि ये अपने जबड़े से कुछ भी चीज को तोड़ सकता है। और ये एक बिब्लिकल टाइटन है। नंबर 7, बैमथ। तो ये टाइटन भी हमें गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में दिखा था, जो कि एक मैमथ टाइप का दिखता है। ये भी मेथसुला की तरह एक बिब्लिकल टाइटन है। तो ये टाइटन कॉम्बैक्ट करने में भी माहिर है, प्लस इसके पास एक्सट्रीम लेवल ड्यूरेबिलिटी है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा हाई है, प्लस इस टाइटन के पास इसकी एक फायर प्रूफ बॉडी है, यानी फायर प्रूफ फर। ये अपने दांतों का इस्तेमाल दूसरे टाइटन से लड़ने के लिए करता है, प्लस इसके पास इसके कमाल के क्लोज हैं, जिससे कुछ भी चीरा जा सकता है। नंबर 6, मैसिव आइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी म्यूटोस। तो अभी तक हमने मॉन्स्टर वर्स में 3 म्यूटोस देखे, 2 हमने गॉडज़िला 2014 में देखे और 1 हमने देखा गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में। तो म्यूटोस के पास बहुत पावरफुल क्लोज होते हैं, ये अपने पंजों से कुछ भी चीर फाड़ सकते हैं। इन्होंने अपने पंजों से गॉडज़िला से भी खून निकाल दिया था, प्लस जब मिलिट्री वालों ने इनके ऊपर अटैक किया था तो तब भी इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। ये इनकी ड्यूरेबिलिटी को भी दर्शाता है, प्लस ये टाइटन फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्लस ये इंटेलिजेंट भी होते हैं। नंबर 5, द क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर, मोथरा। तो मोथरा को द गिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, प्लस इसके पास बहुत ज्यादा कमाल की एबिलिटीज है। इसने रोडन के साथ बहुत कमाल की फाइट की थी, रोडन के खिलाफ जलते हुए भी इसने रोडन को लास्ट में मार दिया था। मोथरा के पास एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड है, ये बहुत ज्यादा तेजी से उड़ सकती है, प्लस इसके पास फायर ब्लास्टर्स भी हैं, प्लस इसके पास स्पाइडर्स की तरह सिल्क बनाने की भी एबिलिटी है, जिसकी मदद से ये बहुत से टाइटन्स को अपने जाले में फंसा सकती है। और ये टाइटन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, इसने अपनी लॉयल्टी गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में दिखाई थी। ये गॉडज़िला के साथ गई थी, ना कि किंग गिडोरा के साथ। भले किंग गिडोरा उस टाइम किंग था, लेकिन तब भी ये सही के साथ गई थी। तो नंबर 4 पे वो टाइटन है जो गॉडज़िला और कॉन्ग की ही तरह बहुत सी सोलो मूवी डिजर्व करता है, मैं बात कर रहा हूँ रोडन की। तो ऐसा टाइटन किसको पसंद नहीं होगा, जिसकी बॉडी पूरी तरह से फायर से बनी हो, प्लस जो वोल्केनोस में ही रहता हो, प्लस इसकी शेप एक फीनिक्स टाइप हो।
ये टाइटन इतना कमाल का है कि ये सोलो मूवी डिजर्व करता है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रोडन मोथरा से आगे कैसे आ गया, क्योंकि मोथरा ने रोडन को हरा दिया था। तो इसका आंसर है कि रोडन उससे पहले यानी मोथरा से पहले भी फाइट करके थक चुका था और उसके बाद वो मोथरा से लड़ा, जिसकी वजह से मोथरा ने उस बैटल में बाजी मार ली। लेकिन मेरे हिसाब से तो रोडन पावरफुल है एज कम्पेयर टू मोथरा। रोडन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2000 F डिग्री का है, यानी कि कोई भी इसके कॉन्टेक्ट में आते ही तुरंत जल सकता है। प्लस ये किसी भी टाइप के प्लेन या किसी भी और टाइप के उड़ने वाले टाइटन के सिर्फ ऊपर से उड़ के उसे डैमेज कर सकता है। प्लस ये कमाल के टोर्नेडो फोर्स को जनरेट करता है, जिससे ये किसी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। प्लस ये टाइटन किसी को भी जला सकता है। प्लस इसकी पूरी बॉडी एक बुलेट प्रूफ टाइप बॉडी है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत बहुत ज्यादा है। तो अब हम फाइनली अपने टॉप 3 टाइटन्स की ओर आ चुके हैं, और नंबर 3 पे वो टाइटन है जो हर किसी को पसंद है, मतलब हर किसी को। तो यार मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ग की। तो कॉन्ग एक गोरिल्ला टाइप टाइटन है जो आसानी से किसी भी बिल्डिंग्स में या किसी भी टाइप के माउंटेन में चढ़ सकता है। कॉन्ग बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल टाइटन है। कॉन्ग सिर्फ मुक्के मार मार के किसी को पूरा सुझा सकता है। प्लस जब कॉन्ग के साथ उसका एक्स मिल जाता है तो तब उसकी तो बात ही क्या करनी। कॉन्ग का एक्स अगर किसी रेडिएशन से चार्ज हो तो वो किसी भी टाइटन को धूल चटा सकता है। नंबर 2, मॉन्स्टर जीरो किंग गिडोरा। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये मॉन्स्टर किसी और प्लेनेट से आया है, ना कि ये मॉन्स्टर अर्थ का है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ आर्टिफिशियल टाइटन को इंक्लूड नहीं किया है, प्लस जो टाइटन मॉन्स्टर वर्स में दिखे हैं उन्हें तो मैं ऐड करूंगा ही, इसलिए नंबर 2 पे है किंग गिडोरा। तो ये 3 सर वाला मॉन्स्टर गॉडज़िला का सबसे ज्यादा बड़ा एनिमी माना जाता है। इस मॉन्स्टर के पास कमाल की एबिलिटीज है। ये गॉडज़िला से बड़ा है, प्लस ये बहुत तेजी से उड़ सकता है, प्लस ये कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये अपने बड़े बड़े विंग्स की मदद से हरिकेन स्टॉर्म को फॉर्म कर सकता है, प्लस ये लाइटनिंग तक को प्रोड्यूस कर सकता है। ये सचमुच बहुत बहुत ऑसम टाइटन है। नंबर 1, तो यस नंबर 1 पे है द ऑल फेवरेट द किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडज़िला। इसमें कोई शक नहीं कि गॉडज़िला नंबर 1 पे है। गॉडज़िला ये पोजीशन डिजर्व करता है। गॉडज़िला ने म्यूटस तक को मार दिया था, प्लस इसने किंग गिडोरा तक को हराया था। कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला में भी इसने कॉन्ग को 2 बार हराया था। तो गॉडज़िला के पास कमाल की एटॉमिक ब्रीथ है, जो खतरा आने पे अपने आप उसके मुंह से निकल जाती है। प्लस गॉडज़िला के पास है न्यूक्लियर पल्स, जिसकी मदद से उसने किंग गिडोरा को हराया था। तो यस गॉडज़िला इज द मोस्ट पावरफुल टाइटन इन मॉन्स्टर वर्स, इसीलिए उसे द किंग ऑफ द मॉन्स्टर टाइटल मिला है। ऐसे ही थोड़ी ना मिल गया है। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने मॉन्स्टरवर्स में दिखाए गए टॉप 10 मॉन्स्टर को रैंक किया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आप सुपर ट्रू स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। और अगर हमसे कुछ डिटेल मिस हो गई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो हम मिलेंगे नए किसी फ्रेश एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर ट्रू स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, सो एसएस 10 असेंबल्ड। Here